आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसे निकालते हैं। तो क्लास दो चीज़ें यहाँ पर देखना है कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या एक फर्म की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर एक फर्म के लिए जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, अगर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म की बात करें। और कोई भी फर्म जो है कितना सप्लाई करेगा ये डिपेंड करेगा मार्केट पे, प्राइस पे, और उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई फर्म की जो प्रोडक्शन है, एक लेबल है जिसके नीचे वो फर्म्स अपना प्रोडक्शन को शट डाउन कर देंगे। तो जब प्रोडक्शन को शट डाउन करने का पॉइंट आएगा वो पॉइंट कौन सा है, तो इसीलिए क्लास उसके ऊपर जहाँ से शट डाउन पॉइंट हो रहा है उसके ऊपर का जो एरिया होता है उसका क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व हम कैसे ड्रा करते हैं ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या होता है, पहले क्लास देख लीजिए कि सप्लाई कर्व इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इफ प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज, और इफ प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, आपने पढ़ा था। अच्छा, तो क्लास दो चीज़ें पहले न्यूमेरिकल मैथमेटिकल बाद ही पढ़ाऊंगा, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए क्लास। अगर मैं बोलूं क्लास, मान के चलो यहाँ पर एक फर्म लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए, यह एक फर्म है और परफेक्ट कंडीशन में आपको बता भी है क्लास कि हम एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है, ओके। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्लास कि या ये हमारा जो सप्लाई कर्व होता है हमेशा अपवर्ड होता है, ओके। तो जो ये प्राइस होता है, हमने बताया था कि जो प्राइस होता है जो कि कांस्टेंट होता है एक टाइम पे, तो उस केस में प्राइस भी जो है मान चलो यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि इस केस पे इतनी क्वांटिटी मार्केट में ओ क्यू वन क्वांटिटी सेल हो रही, मान चलो इसको हम वन मान लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि ये क्वांटिटी एक फर्म की है, क्या है, एक फर्म की है, और एक फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू ये है। यानी कि इस केस में क्लास आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ऐसी हो रही है, तो मार्जिनल का कहाँ काट रही है क्लास, यहाँ पर एक मार्जिनल कॉस्ट काट रही है। इसका मतलब होता है कि एक फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या है, ये है, Q1 पर इतना आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है क्लास, ठीक है, और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, ये प्रोडक्शन है, ठीक है, ये प्राइस है, ठीक है। बेसिक में बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको, अभी हम आगे आपको बताते हैं क्लास, ठीक है, ये प्रोडक्शन है यहाँ पर। तो अब आपको ये देखना है क्लास कि यहाँ पर जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पर मिनिमम है क्लास, यानी कि इसके नीचे प्रोडक्शन वो नहीं करेगा, इसके नीचे प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं क्लास तो अब ये बताना चाहता हूँ मैं कि मान के चलो सडनली क्लास मार्केट में डिमांड बढ़ गई, जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे मार्केट में, ध्यान समझना, जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा, और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका जो ये कर्व है ये AR 1 हो जाएगा, MR 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है क्लास कि अब आप बोलेंगे कि अब मार्जिनल कॉस्ट हमारा यहाँ पर आ गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ, यानी कि मार्केट में इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, इसका मतलब मार्केट में इतनी क्वांटिटी सेल बढ़ गई,
तो मार्केट में प्राइस पी टू हो गया, तो प्राइस पी वन से पी टू हो गया, तो एक इंडिविजुअल फर्म का इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि इतनी क्वांटिटी को इसने इंक्रीज कर दिया। क्लियर हुआ? तो इट मीन्स कि अभी मार्केट में इस प्राइस पर, इस पी टू पर आप कहेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम क्यू टू हो गया। ओके, इस प्राइस पर ई से ईवन चला गया, यानी कि ई से ईवन पर चले गए। बात समझ गए? अच्छा, सडनली क्या होता है, अब क्लास हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मार्केट का सप्लाई कर्व है, ये क्या है? सप्लाई एक्सपेंशन है। सप्लाई क्या है? सप्लाई एक्सपेंशन है ड्यू टू द प्राइस। इफ प्राइस इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर ने मार्केट में इतना सेल और किया, इतनी सप्लाई को बढ़ा दिया। ठीक है, एक थर्ड स्टेप और लेते हैं कि मान चलो सपोज मार्केट में सप्लाई प्राइसेस और बढ़ गए, तो जब भी मार्केट में प्राइस और बढ़ेगा आपका भैया एवरेज रेवेन्यू 1 से 2 हो जाएगा और मार्जिनल रेवेन्यू 2 हो जाएगा, तो प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आएगा क्लास? क्योंकि ARMR जो है इसको यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, तो Q3 हो गया, यानी कि इतना प्रोडक्शन और उसने बढ़ा दिया, मार्केट में सेल बढ़ा दिया। तो इसका मतलब होता है कि अब फर्म जो है इतना सप्लाई कर रहा है, इस प्राइस पर इतना सप्लाई कर रहा है। तो आप देखेंगे, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ था क्लास, कि जब प्राइस बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है, ओके, तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ओके, और जब क्वांटिटी बढ़ रही है एक तरफ, तो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन देख रहे हैं, और प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो क्लास एक चीज़ यहीं पर और पकड़िए आप, कि देखो यहाँ के बाद हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट और ये सप्लाई कर्व क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ा तो ये सप्लाई बढ़ी, तो यहाँ भी प्राइस बढ़ा। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ गया। तो यानी कि कहा यह जाता है बेटा जी कि परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? इट्स आल्सो सप्लाई कर्व। मार्जिनल कॉस्ट आल्सो सप्लाई कर्व। इट मींस व्हाई? बिकॉज देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मनी सप्लाई भी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट और ये सप्लाई सेम दिख रहा है। इतना समझ आ गया? तो मेरा कहने मतलब है, लेकिन ये कब माना जाता है? ये तब माना जाता है तो हमेशा ABC से ऊपर होना चाहिए। क्या? शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? सप्लाई कर्व होता है। इतना समझ में आ गया? अब इसको बेटा जी अगर मैं मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे? तो भैया आप देख लीजिए। ठीक है, क्लास सबसे पहले देखियो क्या हम लिख सकते हैं, नोट आप लिख ही लिखते जा रहा हूँ। सपोज दैट, लिखो, यहाँ दिख रहा होगा बेटा जी, सपोज आप लिख दिए प्राइस इज ग्रेटर देन ABC, प्राइस इज ग्रेटर देन ABC। देखो प्राइस अगर ABC से नीचे है तब तो कोई सप्लाई नहीं करेगा बेटा जी। अगर प्राइस नीचे आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो सप्लाई नहीं करेगा बेटा जी। ये शॉर्ट रन है, ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्लास एक चीज़ और देखिए, अगर हम इसको लिखें, देखो पी का मतलब है, अगर पी इंटू क्यू तो क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू ग्रेटर देन ABC इंटू क्यू। आप बताएंगे बोला जी, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, जितनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, और जितनी प्राइस होता है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या निकलेगा ये? इसको बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। और इसको क्या बोलेंगे क्लास? इसको क्या बोलेंगे आप? अरे भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अच्छा, और जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू क्लास, ठीक
ठीक है। अब दो तरीका इसका लगाने का है, या तो इसको आप क्यू से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू, और ये निकलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज निकल जाएगा। या दूसरा हम तरीका करते हैं क्लास, कि टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन से टीबीसी, ज़्यादा होना चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब टीबीसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आपको पता है क्लास कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टी सी माइनस टी एफ सी कर देंगे तो क्या निकलेगा, टी सी माइनस टी एफ सी, ओके लिख सकते हैं, टी आर माइनस टी, ठीक है। अब इसको क्लास हम इस साइड ले लेते हैं, तो टी सी माइनस टी आर, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन टी एफ सी, ओके। कहने का मतलब है कि टी सी माइनस टी आर टोटल फिक्स का, क्लास में बताना क्या चाहता हूँ कि अगर ये टोटल रेवेन्यू जो हमारा है टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट जितनी उसकी फिक्स कॉस्ट आ रही है, जितनी फिक्स कॉस्ट है उससे ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा निकलेगा तभी प्रोडक्शन करेगा, अदर क्या करेगा, शट डाउन कर देगा, क्या करेगा, प्रोडक्शन शट डाउन कर देगा, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इसका मतलब अगर ये नहीं आ रहा इसका मतलब लॉस सिचुएशन में है, इसका मतलब मार्केट मतलब फर्म लॉस्ट में जा रही है तो प्रोडक्शन बंद कर देगी, इतना समय में आ गया। अच्छा, अब देखो बेटा जी इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए इतना समझ गया, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर शट डाउन आएगा, इसके नीचे आएगा तो शट डाउन कर देगी प्राइस, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इफ़ प्राइस से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या होगा क्लास, भाई प्राइस भी नहीं निकल रहा है उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, शट डाउन कर देगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज शट डाउन पॉइंट, ओके। अच्छा, इतना समझ आ गया। एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको क्लास, लिखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, लिखिए कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू क्लास होता है क्या, ऑफ कॉस्ट फंक्शन ऑफ आई फर्म्स, एक कोई फर्म से आई, बहुत सारी फर्म में मान के बहुत सारी फर्में हैं क्लास, तो बहुत सारी फर्में हैं तो उनके कॉस्ट को इक्वल टू लिखा गया, कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू मान के हम लिखा है सी आई क्यू आई, ओके। जितनी ये हम मान के कॉस्ट फंक्शन है, आगे बताएंगे सी आई जितने होता है, सी आई प्लस क्यू आई कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालें क्लास, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू कैसे बोलता है बेटा जी, डेरिवेशन ऑफ सी आई क्यू आई अपॉन डेरिवेशन ऑफ क्या होता है क्लास, क्यू आई, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्यू आई यहाँ पर क्वांटिटी है, प्रोडक्शन क्वांटिटी है, फर्म की कॉस्ट है, ओके। तो अगर इसको लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या आएगा क्लास, निकाल लीजिए, तो सी आई डी क्यू आई बराबर निकलेगा सी आई क्यू आई, ओके ठीक है। गिवन द मार्जिनल प्राइस, अच्छा क्लास एक चीज़ और है, लॉन्ग रन में जो सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, अगर मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, प्राइस उसका गिवन होता है, तो कह रहे हैं कि सप्लाई जो होगा किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी फर्म का जो सप्लाई होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, प्राइस पे, किस पर डिपेंड करेगा, प्राइस पे, ठीक है। और प्राइस क्या होना चाहिए क्लास कहता है, प्राइस हमेशा ए बी सी से, प्राइस ग्रेटर देन या इक्वल ऑफ ए बी सी, ठीक है, ओके फॉर द पी। अच्छा एक चीज़ और है, प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, कब होगा क्लास, फॉर पी, फॉर जो प्राइस है, प्राइस ग्रेटर देन मिनिमम ए बी सी, ओके ये होना चाहिए क्लास। तो अगर हम एक इंडिविजुअल फर्म की बात करें तो यहाँ पर सिंपल ये बताना है क्लास, इतना आपको
डेरिवेटिव मार्जिन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट निकालने बात नहीं है, आपके बताना कि कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया है तो ये मार्जिन कॉस्ट निकाल देंगे, ठीक है। और मार्जिन कॉस्ट क्योंकि इक्विलिब्रियम के निकालते हैं हम पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कि यहाँ पर दोबारा से ना जाएँ। एक एग्जाम्पल क्लास ले लीजिए, न्यूमेरिकल लिखिए। अगर मैं बोलूँ क्लास कैसे, मैं शॉर्टकट आ रहा हूँ, प्लीज़ शॉर्टकट आ रहा हूँ प्लीज़। मान चलो क्लास टोटल फंक्शन देते हैं, लिखो टोटल फंक्शन, आपको मैं दे देता हूँ टोटल फंक्शन इक्वल टू, मान लो सी आई दिया है आपका, सी आई इक्वल टू 0.1 क्यू आई स्क्वायर क्यूब माइनस 2Q1 नहीं आई थे मतलब सॉरी इसको आप ऐसा करिए बेटा जी, यही रख दीजिए QY बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं स्क्वायर ओके प्लस 15Q प्लस 10 प्लस क्या है 10। अच्छा बताएंगे क्लास ये 10 क्या है, 10 टोटल फिक्स कॉस्ट है और ये पूरी की पूरी क्या है क्लास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्या होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है और ये क्या होती है 10 क्लास यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा तो अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा तो क्या निकालें क्लास, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव। सो नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव इज क्या होगा, इसको यहाँ से आएंगे तो क्या होगा क्लास 0.3Q² हो जाएगा, क्यू 2-1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा क्लास 2 × 4 4 × 4 4QY हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। सो सेटिंग द, अगर मार्जिनल कॉस्ट को प्राइस के बराबर सेट करना है, मार्जिनल कॉस्ट को बराबर प्राइस को, क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा प्राइस के इक्वल हो रहा है, तो अब क्या करेंगे आप क्लास, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं प्राइस इक्वल टू 0.3Q² - 4Q1 प्लस 15, ये भी लिख सकते हैं पी क्लास। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो मैं सिंपल बताना चाहता हूँ, ठीक है सॉल्व करेंगे तो सपोज फॉर्म फंक्शन ग्रेटर देन प्राइस मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से होना चाहिए, यानी कि टोटल फिक्स मतलब एक फिक्स कॉस्ट, मान चलो इसको फिक्स कॉस्ट ही बोलते हैं क्लास, तो इससे ऊपर होना चाहिए। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, अच्छा मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC का फर्स्ट डेरिवेटिव कहना चाहिए क्लास, कह रहा है कि एवरेज देखो शट डाउन पॉइंट मतलब मार्जिन कॉस्ट किसके ऊपर होगा, सप्लाई कर्व कैसे होगा, तो कह रहा है कि ABC अगर इसको निकालेंगे क्या निकलेगा ABC निकलेगा, क्या निकलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। तो अब ये क्या है क्लास, देखो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये क्या है टोटल सॉरी ये क्या है क्लास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अभी सॉरी मार्जिनल कॉस्ट है प्राइस है, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट है ओके। अब अगर मैं क्लास इस पूरे फंक्शन को क्यू से डिवाइड कर दूं मान चलो, तो क्या निकलेगा ABC, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा ABC इक्वल टू यानी क्यू से डिवाइड हो जाता भाई, ABC बराबर होगा डेरिवेशन ऑफ ABC ऐसा कहिए अपॉन डेरिवेशन ऑफ QY, ये लिख सकते हैं मेरी बात समझने, या तो हम पूरे फंक्शन को अगर इसमें क्यू से डिवाइड कर दें, ठीक है तो क्या निकलेगा क्लास, ये तो AFC निकल जाएगा, ये पोर्शन AFC हो जाएगा और ये पोर्शन ABC हो जाएगा, तो क्यू से क्यू डिवाइड करेंगे काटेंगे तो क्या आएगा बताएंगे, तो काटेंगे आप ठीक है तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा क्लास फर्स्ट इसको, अच्छा डेरिवेटिव कीजिए ABC का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा, सीधे देख लिए कि 3×2 कितना आएगा 0.2 QI - 2 क्योंकि यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं क्लास, ठीक है 2 निकलेगा
ओके अब क्लास ये जो क्यू है, क्यू की जगह पे हम अगर इस क्वांटिटी की जगह पे हम क्या रखेंगे क्लास, अगर हम 10 मान के चलो, कहता 10 क्वांटिटी कितना है 10 रख लेते हैं, ठीक है तो 10 रख लेते हैं तो नहीं आ रहा है 0.2 Q1 - 2 0.2 × 10 - 2 यानी कि 5 निकलेगा क्लास। मतलब कहता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है 5 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर 5 रुपये से नीचे अगर उसकी कॉस्ट पाँच, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये है तो प्राइस जो है इससे एबव होना चाहिए। अगर इससे कम आएगा तो फिर क्या होगा, वो शट डाउन पॉइंट करेगा। तो 5 रुपये से ऊपर जो भी होगा सप्लाई कर, 5 रुपये से ऊपर होगा इसके पहले सप्लाई कर क्या होगा, 0 होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये तो था सिंपल क्लास की अगर एक फर्म का, हालांकि हो सकता है मैं आपको समझाने में थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया हूँ। मुझे आप पर ये बताना था क्लास ओबरान निचोड़ कि आपको ये देखना है कि तो पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं इसलिए हमको थोड़ा सा जल्दी में आ गए। आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया जाएगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल देना क्योंकि टीबीसी मिल जाएगा, टीबीसी को क्वांटिटी डिवाइड कर तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कितना, ठीक है तो जो प्राइस मार्जिन परफेक्ट कंडीशन है तो प्राइस इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट होता है, ठीक है। और उस प्राइस पर इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कि कितना, ठीक है ARMR कितना निकाल के इक्विलिब्रियम पॉइंट देख लेंगे, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्वांटिटी मिल जाएगी, उस क्वांटिटी को आप क्या करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स करेंगे तो आपको प्राइस मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगी एबीसी की। तो अगर उससे नीचे है तो क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे प्राइस है तो सप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर होना चाहिए। तो यानी कि हम कह रहे हैं सप्लाई कर्व जो है हॉलवेज जो है अपवर्ड होता है मार्जिनल कॉस्ट में, और एबीसी से ऊपर का जो पोर्शन होता है वो सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। तो बस इतना करते हैं क्लास। आपको मैंने न्यूमेरिकल तो करा लिया, अभी मैं इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व पढ़ लेते हैं क्लास, ठीक है ओके तो नोट करिए फिर आगे चलते हैं।